हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचाज मैनर। अगर आपको भी इस तरीके के ग्रिल सैंडविच खाना बहुत पसंद है तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसके लिए मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया था दिवाली के टाइम, जो है ये प्रेस्टीज का सैंडविच टोस्टर। और इसको मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, इसका रिव्यू मुझे आपके साथ शेयर करना था। इसको यूज़ करते हुए मुझे करीब 2 से 3 महीने हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो कि इसमें इतने सारे टाइप के इसके वेरिएंट्स आते हैं, मतलब अलग अलग इसके मॉडल आते हैं। तो मैंने जो मॉडल लिया है वो है PGMFB। और जब भी आप इसको परचेज़ करो तो यहाँ पर आप स्टैम्प लगवाना और डेट डलवाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मॉल वगैरह से लेते हैं तो कस्टमर डेस्क पर जाकर आप इसको ज़रूर लगवा लीजिए। मैंने इसको रिलायंस से परचेज़ किया था। इसका जो प्राइस है वो है 1495 रुपीज़, बट मैंने इसको परचेज़ किया था 1100 में। और इसका जो है जो पावर है वो है 800 वॉट्स की और 1 साल की वारंटी इसमें हमें मिलती है। इसकी जो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये ड्यूरेबल डाई कास्ट अल्मोनियम ग्रिल प्लेट्स हैं इसके अंदर, और हीट रेजिस्टेंट बेकलाइट बॉडी है, और नॉनस्टिक कोटिंग है फॉर ऑयल फ्री टोस्टिंग, और एलिगेंट ब्लैक फिनिश है ये। तो आप देख सकते हो इसकी ये जो ग्रिल प्लेट्स हैं वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं, जिससे कि बहुत अच्छे से जो टोस्ट होती है हमारी ब्रेड, और इसके अंदर बहुत ही कम ऑयल के अंदर आप सैंडविच टोस्ट कर सकते हो। और इस तरीके का इसका जो है लिड क्लोजर होता है, इसमें आराम से ब्रेड आप दबाकर और क्लोज कर सकते हो, जिससे कि दोनों तरफ से ब्रेड बहुत अच्छे से सिकती है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, और किस तरीके से उसको क्लीन करना है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो नॉर्मल जो भी आप अपनी फिलिंग बनाते हो आलू की या किसी भी चीज़ की, वेजिटेबल्स की, उसको आप फिल कर दीजिए ब्रेड्स के अंदर, और जो भी ब्रेड लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देसी घी दोनों साइड में लगा रही हूँ, और अगर आप चाहें तो बिना ऑयल के भी इसको यहाँ पर टोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि अभी सीधे ही हमें इस ब्रेड को प्लेस नहीं करना है इसके ऊपर, इसके अंदर टोस्टर के अंदर। सबसे पहले हम टोस्टर को ऑन कर देंगे, जब ये ग्रीन लाइट जलेगी उसके बाद हमें इसके टोस्टर के अंदर इन ब्रेड्स को रखना है। तो ये ग्रीन लाइट जलने में जो फर्स्ट टाइम हम इसको यूज़ करते हैं तो करीब 30 सेकेंड्स to 1 मिनट का टाइम लगता है, और फिर ये लाइट ग्रीन हो जाती है। इसका मतलब है कि इस टोस्टर को हम प्री हीट कर रहे हैं। प्री हीट करने से पहले अगर आप इसके अंदर ब्रेड्स को रख देंगे तो वो अच्छे से सिक नहीं पाएगी। तो आप देख सकते हो ग्रीन लाइट जल चुकी है और अब ये गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ब्रेड्स को प्लेस कर देंगे। और इसके बाद इसको बंद करके और जो लिड क्लोजर है उससे बंद कर देंगे और वेट करेंगे इसके ब्राउन होने का। पहली बार गर्म करने में इसको ज़्यादा टाइम लगता है, बट जैसे जैसे आप सैंडविचेस बनाते जाते हो इसका जो गर्म होने का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। यानी नेक्स्ट टाइम जो आपको ब्रेड्स रखनी है तो वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। और आप देख सकते हो अभी मैंने इसको 30 सेकंड के बाद चेक किया था तो ये बहुत अच्छे से ब्राउन नहीं हुआ था। तो हम इसको बीच बीच में चेक कर लेंगे। फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा समय लग सकता है कि ये कितनी देर में हमारे मन मुताबिक ब्राउन होता है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कितनी देर में आपका सैंडविच बनकर तैयार होता है, तो नेक्स्ट टाइम से आप उतनी ही देर के बाद आप इसको खोल सकते हैं। और जो ये लाइट है ग्रीन वाली, ये अपने आप जलती बुझती रहती है, इसका मतलब कि ये ऑटो कट करता है गर्मी को और उसके बाद से अपने आप ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं, और आप इसको अपने मन मुताबिक शेप में काट लीजिए, और बहुत ही अच्छे सैंडविच इसमें बनकर तैयार होते हैं। अगर आप डाइट वगैरह कर रहे हो तो आप ऑयल फ्री कुकिंग भी इसके अंदर कर सकते हो, यानी टोस्टिंग कर सकते हो, और बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार होते हैं सैंडविचेस इसके अंदर, और बहुत ही जल्दी बनता है। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि आपको दोनों तरफ से अलट पलट कर इसको नहीं सेकना होता है, एक ही बार में ये ऊपर नीचे की दोनों प्लेट्स के वजह से ये दोनों तरफ से एक ही बार में सेक कर दे देता है। मैक्सिमम आपको 45 सेकेंड्स लगते हैं दो सैंडविच तैयार करने के। एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप सैंडविच को बहुत ज़्यादा ब्राउन मत करिए, वरना ब्रेड ज़्यादा सूख जाती है, खाने में चूई हो जाती है, जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है। अगर आप डेली यूज़ करते हो तो आप सिर्फ एक कॉटन के कपड़े से इसको पोंछ दीजिए, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है धोने वगैरह की। लेकिन अगर आप इसको मंथली 15 दिन में एक बार क्लीन करना चाहते हो तो एक बार गीले कपड़े से पोंछ कर उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से पोंछ दीजिए, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। एक चीज़ इसमें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, वो है कॉर्ड। इसका बहुत ही शॉर्ट लेंथ का, आई थिंक सिर्फ 1 मीटर का है, तो अगर आपका स्विच बोर्ड कहीं ज़्यादा दूर पर है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है इसको लगाने में। बट फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।